जो भाजपा की नाकामियां हैं, उनकी सरकार की जो नाकामियां हैं, बेरोजगारी, हम किसानी क्षेत्र से आते हैं, किसानों की आरक्षण बिल, दुर्दशा, दो बार आपने सरकार बना ली, 9.5 साल तक आपने उस पर कोई काम नहीं किया। आप जब जनगणना नहीं हो रही है और जो प्रक्रिया है दोबारा से की, वो जब पूरी नहीं है तो आरक्षण बिल का मतलब क्या है? सरकार कहती है कि हम किसानों का जो है गेहूं खरीद रहे हैं, किसानों की धान खरीद रहे हैं, किसानों का आलू खरीद रहे हैं, वो कहां खरीद हो रही है? सरकार का बाजार पर नियंत्रण नहीं है, क्योंकि सरकार पूंजीवादी व्यापारियों को प्रोत्साहन करती है, उनके द्वारा बनाई गई मुजफ्फरनगर सरकार में है। एक बुढ़ाना चीनी मिल है, 400 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया किसानों का है। भारतीय किसान यूनियन पिछले 3 महीने से वहां धरना दे रही है। आप देख रहे हैं जनादेश टीवी इंडिया। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान जनपद मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी इस वक्त मौजूद है। 2024 के चुनाव को लेकर हम बात करेंगे इनसे, हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम बात करते हैं 2024 के चुनाव को लेकर के, कि पार्टी की क्या तैयारी चल रही है। समाजवादी पार्टी जनपद में 2024 के चुनाव को लेकर जमीनी स्तर पर तैयारी कर रही है। सभी विधानसभाओं में हमने सेक्टर का और जोन का गठन कर लिया है और हम कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। कल ही हमने बुढ़ाना विधानसभा के शाहपुर कस्बा में एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया है, जिसमें लोकसभा के प्रभारी हरेंद्र मलिक जी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। इस वक्त देश में दो महागठबंधन है, एनडीए वर्सेस इंडिया। इंडिया के खिलाफ 2024 के चुनाव को लड़ने के लिए विपक्ष ने इंडिया महागठबंधन का गठन किया। छोटे छोटे दलों को लेकर के एक महागठबंधन बनाया, जिसका नाम उन्होंने इंडिया रखा। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, इंडिया वर्सेस एनडीए? ये इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में शामिल है और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का निर्णय स्वागत योग्य है। और इंडिया गठबंधन जो बना है, जिस दिन से इंडिया गठबंधन की नींव पड़ी, उसी दिन से एनडीए गठबंधन भय में है और उसको लगता है कि 2024 में एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार नहीं आ रही है। इंडिया के गठबंधन बन जाने से वो लोग भयभीत हैं। सर, आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन यूपी में कितनी सीट ले सकता है 2024 के चुनाव में? यूपी में 80 सीटें हैं लोकसभा की। इंडिया गठबंधन मिलकर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। 2024 के चुनाव को लेकर आप जनता में, आम जनता में आप किन किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखिए, सेंटर की गवर्नमेंट के 9.5 साल पूरे हो गए। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा शासित राज्य है। जो भाजपा की नाकामियां हैं, उनकी सरकार की जो नाकामियां हैं, बेरोजगारी, हम किसानी क्षेत्र से आते हैं, किसानों की दुर्गति, अभी अभी आपने हाल में देखा कि प्राकृतिक आपदा में मुजफ्फरनगर क्षेत्र में या वेस्टर्न यूपी में बारिश ने भारी तबाही मचाई, लेकिन एक भी रुपया किसानों को अब तक नहीं दिया गया। और सरकारी नौकरियां तो है ही नहीं, सरकारी उपक्रम बेचे जा रहे हैं, पिछड़ा वर्ग को बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, उनके आरक्षण पर, एससी और पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर लगातार हमलावर है भाजपा शासित सरकार, केंद्र की सरकार। वो आरक्षण खत्म करने की नीति पर चल रहे हैं। सरकारी उपक्रम ही बेच देंगे जब सब चीज प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में कोई आरक्षण लागू नहीं होता है। दूसरी तरफ अभी उन्होंने महिलाओं के लिए आपाधापी में जो बिल लेके आए, जो बिल 10 साल तक एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता, उस बिल का मतलब क्या है? आप 50% आबादी, हमारी मातृशक्ति को आपने एक ऐसा लड्डू दे दिया कि आपके पास लड्डू तो है लेकिन आप उसे खाएंगे नहीं, तो उसकी जल्दी क्या थी? आपके मैनिफेस्टो में महिला आरक्षण बिल था, दो बार आपने सरकार बना ली, 9.5 साल तक आपने उस पर कोई काम नहीं किया। आप
जब जनगणना नहीं हो रही है और जो प्रक्रिया है दोबारा से की वो जब पूरी नहीं है तो आरक्षण बिल का मतलब क्या है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो इंडिया गठबंधन जिनके तहत हम मैदान में लेकर उतरेंगे। एक देश एक चुनाव, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक देश एक चुनाव के बारे में ये सरकार का अपना मत है। अभी जब सरकार इस पर काम करेगी उसका क्या प्रारूप होगा ये तब का विषय है। 2024 के चुनाव में क्या महंगाई भी एक मुद्दा हो सकता है? बिल्कुल, महंगाई मुद्दा क्यों नहीं होगा। चारों तरफ सरकार का किसी भी बाजार पर नियंत्रण नहीं है। सरकार कहती है पेट्रोल डीजल पर हमारा नियंत्रण नहीं। जब अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में क्रूड ऑयल की कीमतें कम होती हैं तो सरकार क्यों नहीं घटाती है रेट, और जब वो बढ़ जाती है तो बढ़ा देती है, तो ये पैसा कहां जा रहा है? दूसरी बार अगर किसान को अभी टमाटर 200-300 रुपए किलो बिकने लगे तो सरकार का नियंत्रण कहां है? सरकार कहती है कि हम किसानों का जो है गेहूं खरीद रहे हैं, किसानों की धान खरीद रहे हैं, किसानों का आलू खरीद रहे हैं, वो कहां खरीद हो रही है? सरकार का बाजार पर नियंत्रण नहीं है, क्योंकि सरकार पूंजीवादी व्यापारियों को प्रोत्साहन करती है, उनके द्वारा बनाई गई सरकार है, इसलिए आम जनमानस जो है वो महंगाई में पिस रहा है। इंडिया गठबंधन जो बना है उसमें मायावती जी का कहीं भी जिक्र नहीं है। क्या आपको लगता है कि मायावती जी को इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए? देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है, इंडिया गठबंधन के नेताओं का विषय है कि कौन शामिल होगा और कौन शामिल नहीं होगा। अच्छा, एक बात बहुत ज्यादा देखने में आती है, सीटों को लेकर बड़ा मतभेद होता है पार्टी में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो निर्देश हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा हमें दिए जाएंगे हम उसी के अनुसार काम करते हैं। आखिरी सवाल, अब बात करते हैं हम किसानों की। किसानों के गन्ना मूल्य को लेकर के चारों तरफ किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, आपका क्या राय? देखिए, मुजफ्फरनगर में एक बुढ़ाना चीनी मिल है, 400 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया किसानों का है। भारतीय किसान यूनियन पिछले 3 महीने से वहां धरना दे रही है। भाजपा के मुजफ्फरनगर में एक केंद्रीय राज्य मंत्री है, वो कहां है? उसी क्षेत्र से आते हैं आप किसान। अपने मैनिफेस्टो में लिखते हो जब वोट लेने की बारी आती है कि हम किसानों का पेमेंट अगर 15 दिन में नहीं हुआ गन्ने का तो हम उस पर ब्याज सहित पेमेंट दिलाएंगे। इससे मंशा साफ दिखाई देती है कि सरकार इन उद्योगपतियों के साथ खड़ी है, किसान के साथ नहीं खड़ी है। हमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो चीनी मिलों से कहीं पिछवाड़े से कोई पैसा उगाही तो नहीं कर रहे हैं जो किसानों का पेमेंट नहीं हो रहा। एक तरफ आप कह रहे हैं 300 करोड़ 400 करोड़ लोग धरने पर बैठे हैं, क्यों नहीं हो रहा? जब मुजफ्फरनगर में यह स्थिति है, जो आंदोलन की धरती रही है, जहां गन्ने की सबसे ज्यादा उत्पादन हम करते हैं, वहां ऐसी दयनीय स्थिति में किसान है तो आप देख लीजिए किसानों की क्या हालत होगी। दूसरी तरफ जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तब 700 किसान शहीद हुए। आपके नेता, भाजपा के किसी नेता, प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं बोला, कोई उनको मुआवजा नहीं। जब चुनाव आया 2022 में तो उनका धरना खत्म कराने के लिए आनन फानन में उनसे समझौता किया गया। आज उस समझौते के तहत MSP कहां है? आज उस समझौते के तहत किसानों का पेमेंट क्यों नहीं हो रहा? आज उस समझौते के तहत किसानों को क्या रियायतें दी जा रही हैं? क्या उन्हें सब्सिडी दी जा रही है? तो किसान तो इस देश का लूटा हुआ है पूरी तरीके से। सरकार किसान विरोधी है। जब किसान धरना प्रदर्शन करता है तो वो वोट लेने के लिए एक फर्जी तरीके से ही मैं कहूंगा एक अनैतिक समझौता कर लेते हैं जिसमें किसान पिस रहा है। और समाजवादी पार्टी लगातार किसानों की आवाज उठा रही है। अभी हमने 10-15 दिन पहले किसानों के लिए उनके पेमेंट के लिए DM का घेराव किया था, और जल्दी अगर किसानों का पेमेंट नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी फिर मैदान में उतरेगी। ये थे हमारे साथ जनपद मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी। देखते रहिए जनादेश TV इंडिया में, आपके साथ वारिस गौर।